नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका स्मार्टफोन TVS एंट्रो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कौन सी तो वो ऐप है जिससे आपका ये क्या है आपका स्कूटर कनेक्ट होगा, और कनेक्ट करने के बाद आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स आएंगे, आपके स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या प्रोसेस है, मतलब कि आपको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अपने स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और उस पर लिख देना है TVS कनेक्ट, ऐसे कुछ लिख देंगे तो ये ऐप आ जाएगी। मैंने क्या है पहले से ये डाउनलोड कर रखी है। उसके बाद आपको ये ओपन करनी है। ओपन होने के बाद कुछ आपका ये इंटरफेस होगा। अब जैसे ही ये ओपन हो जाएगी आपको कुछ ऐसे इधर कर देना है, और आपको क्या है, आप तो नए कस्टमर है तो फिर आपको साइनअप करना है। साइनअप के लिए आपको एक क्रिएट एन अकाउंट पर जाना पड़ेगा और इधर आपको जाकर के लिख देना है। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन है अविश आत्रे, आप इसका फ़ोन नंबर मैं डाल दूंगा, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया और इधर मैं इसकी ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो दोस्तों, फिर मैं अपनी सिटी डाल दी, हाँ मुजफ्फरनगर। अब क्या है, मैं ये सबमिट कर दूंगा। अब तक क्या है, मेरी प्रोफाइल बन गई है। अब एक OTP आने का प्रोसेस बचा है, जैसे ही वो हो जाएगा फिर हमारी क्या है प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और इतना सब करने के बाद आपको अपने स्कूटर को इस ऐप से कनेक्ट करने के लिए अपने स्कूटर का जो चेसिस नंबर होता है या फिर जो फ्रेम नंबर होता है वो भी आपको डालना पड़ेगा, जिससे कि ये आपके स्कूटर को रिकॉग्नाइज कर ले। और दोस्तों, जैसे ही आपकी क्या है प्रोफाइल अच्छे से बच जाएगी, आप अपना OTP डाल लेंगे, उसके बाद कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी, आपकी माई प्रोफाइल आ जाएगी, उधर से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको ऐड करनी होगी वो आप बाद में भी कर सकते हैं। इधर आपका स्कूटर आ जाएगा, जैसे मैंने डाला हुआ ये XP, इधर कुछ हो जाएगा आपको और भी, और इधर आपका आ रहा है कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने स्कूटर का जो है स्विच ऑन कर देना है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपली कनेक्ट हो जाएगा, उस पर मेरा नाम भी आ गया, हेलो विशांत बालियान। अब मैं इधर से अगर कनेक्ट करूँ तो बिल्कुल इंस्टेंटली ये कनेक्ट हो जाता है। आप देखिए इधर आ गया ना लिखा हुआ कनेक्शन सक्सेसफुल। तो दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब इसमें ये इधर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपके किलोमीटर पर आवर, आपका RPM की स्पीड दिखा रहा है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि ये मोड है, अगर आपको चेंज करना है, आपको रेस स्ट्रीट में जाना है, रेस स्ट्रीट जाना, तो आपको क्या है अपने स्कूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ अपने स्कूटर स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने ये अपने स्कूटर स्टार्ट कर लिया, तो इधर आप देख रहे हैं मैं रेस दे रहा, तो इसके RPM भी इधर बढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, फिलहाल ये रेस मोड में पड़ा है, तो अगर मैं इसे स्ट्रीट में डालता हूँ कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा। अब देखो, ये ब्लू तो इसकी थीम हो गई है और ये स्ट्रीट मोड में आ गया है। अब फिर से अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये इधर से आ जाएगा, बाकी अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये रेस पर आ जाएगा। अब अगर मैं अपने स्कूटर बंद कर देता हूँ, तो दोस्तों एक तो ये होगा कि आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं, रेस से स्ट्रीट, रेस स्ट्रीट से रेस, अपने इससे जा सकते हैं ऐप से ही। बाकी इससे मैं आपको एक वॉइस असिस्ट का इधर ऑप्शन मिलेगा जो कि नया है। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अलाउ, आपको अलाउ कर देना माइक के लिए, ओपन नेविगेशन। आप ये देख रहे हैं ना, मैंने इतने आराम से बोला, बिल्कुल सही से बोला, बट इसने कोई भी कनेक्ट नहीं किया। अब मैं इसको बोलता हूँ, फिर से कुछ बोलता हूँ, राइड मोड चेंज। कमांड ले लिए है और अभी भी ये रेस पर ही है, पहले भी रेस पे था। तो दोस्तों, कुछ ऐसा इसका वॉइस कमांड है, मतलब कि इतना प्रॉपरली काम नहीं करता है, ये दिखावटी फीचर ज़्यादा है और काम का ये ज़्यादा है नहीं। जैसे कि मैं अभी इसे कमांड देता हूँ नेविगेशंस, पकड़ा ही नहीं है, नेविगेशन दिखा दिया इसने, पकड़ा ही नहीं है। पेट्रोल पंप नियर मी, अब इसने पकड़ लिया है। तो इधर से ये दिखा रहा है कि आपको 1 किलोमीटर पर टर्न लेना है और वो इन्फॉर्मेशन आपकी भी आ रही है। तो दोस्तों, ये फीचर्स चलते तो हैं, नेविगेशन भी इसकी चलती है और वॉइस कमांड भी चलती है, बट ये इतनी प्रॉपरली नहीं चल पाती है, मतलब कि जितनी चलनी चाहिए, मतलब हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, कभी कभी ये गड़बड़ कर देती है। बाकी अगर मैं मैनुअली डाल के देखूँ, इधर से मैं डालता हूँ रेलवे स्टेशन, तो ये आ गया है, ये पकड़ तो ली है। अब देखते हैं कि कितना करेक्ट दिखाता है। स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। अभी भी ये प्रॉपर स्टेबल नहीं है। हाँ, इस पर दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर बाद आपको टर्न लेना है, और इधर भी आपको दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर के बाद आपको टर्न लेना है, 2 किलोमीटर आप तो उसी रोड पर स्टेबल रहना है। और दोस्तों, ये सही दिखा रहा है, ऐसे ही कुछ रास्ता हमारे यहाँ से जाता है अपने रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, ये तो इसकी नेविगेशन हो गई जो कि आपको ठीक ठाक काम कर देगी। बाकी दोस्तों, नेविगेशन के अलावा अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको आपकी राइड सेटिंग आ जाएगी, वॉइस फीडबैक वाइल राइडिंग या वॉइस असिस्ट के लिए आप कर सकते हैं। एक आप देख रहे हैं ना स्पीडोमीटर ब्राइटनेस, जैसे कि फुल पे है, और आप आराम से देखो फुल इंटेंसिटी पे ये है। अभी मैं कम करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
एक लेवल और कम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक लेवल और कम कर दिया, बट इसके ब्राइटनेस पर मुझे जरा सा भी कोई फर्क नहीं दिखा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ दिखावट का है, मतलब कि कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। आप देखो इधर आए आए आए, इस पर कोई फर्क पड़ी नहीं, ये उसी ब्राइटनेस पर अभी भी है। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसा ही है, ब्राइटनेस फुल कर लिया। अब इसमें एक हाई स्पीड अलर्ट है, इसमें आप डाल सकते हैं कोई भी स्पीड डाल सकते हैं, जैसे 80, 70, आपको कितनी पर अलर्ट आए, 100 पर, 120 पर। जैसे मैंने 60 पर कर दिया, तो ये अब 60 पर मुझे एक अलर्ट दे देगा कि मैंने अपनी स्पीड क्या है वो एक्सेस कर लिया, अपनी स्पीड से ऊपर चला गया। इसमें डू नॉट डिस्टर्ब भी है, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कनेक्ट तो होगा, फिर आपको क्या है, जैसे मैसेजेस हुए, कॉल्स वगैरह हुए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी आएगी नहीं। एक इधर दे रहा है कि ऑटोमेटिक SMS का रिप्लाई, मतलब कि आप जैसे अगर इसे ऑन कर देंगे तो आपको एक मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब कि फ़ोन को काट करके जिसने आपको कॉल की होगी उसको एक मैसेज भेज देगा कि वो बंदा फिलहाल ड्राइव कर रहा है और फिलहाल वो आपकी कॉल नहीं लेगा। बाकी आपका ब्लूटूथ अगर आप मैनुअल पर रखना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं कि आप ऐप की अगर ऑन भी किए तो फिर वो मैनुअली करें, बट दोस्तों अगर आप इसे ऑटोमेटिक पर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑटोमेटिक पर ये काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। बाकी आपकी कुछ जनरल सेटिंग वगैरह हो गई जो आपकी नीचे आ रही है, आप अपने 5 एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब कि आप अपने ऑफिस का एड्रेस या अपने घर का एड्रेस या कोई भी एड्रेस आप इधर डाल सकते हैं, कोई भी 5 एड्रेस आपके इसमें सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों इधर आप रख सकते हैं, उन पर क्लिक करके आपको जब भी मतलब किसी भी लोकेशन से जाना होगा तो आप जा सकते हैं, अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर, बाइक का नाम वगैरह आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो फीचर हो गए जो कि आपको आपके कनेक्ट करने के बाद आएगी। बाकी अगर आप ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दी, अब ये डिस्कनेक्ट हो गई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी अभी भी आएगी, जैसे कि आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपने टोटल राइड्स कितनी ली है वो आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड, आपकी बाइक का ओवरव्यू इधर आ जाएगा, अभी मैंने ये बाइक चलाई नहीं है तो कुछ आ नहीं रहा है ज़्यादा, माई राइड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी, आपने कितनी राइड्स वगैरह की है, आपकी सर्विस की इधर आ जाएगा, लास्ट सर्विस कब हुई है, नेक्स्ट सर्विस कब होनी है, आपकी सर्विस की जो बुकिंग हिस्ट्री है वो आ जाएगी, आपको अपनी बाइक के बारे में कुछ जानना है वो आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन जानना है, यूज़र मैनुअल, वारंटी वगैरह के बारे में जानना है वो इधर आ जाएगा। और रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, आपका स्कूटर कहीं रोड पर ख़राब हो गया है उसके लिए आपको असिस्टेंट चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए असिस्टेंट बुला सकते हैं। बाकी कुछ टिप्स वगैरह आपको चाहिए इधर से आप ले सकते हैं, और भी कुछ है तो इधर आपका लोकेट सर्विस सेंटर है, मतलब कि आप कहीं नई जगह पर आपको आसपास कोई सर्विस सेंटर देखना आप वो इधर से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सर्विस के फीचर्स। बाकी अगर सेटिंग्स की बात की जाए, इधर कुछ आपकी सेटिंग वगैरह जो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ, और लास्ट पार्क लोकेशन आपकी इधर आ जाएगी। तो अभी ये जहाँ पर पार्क हुई है वो आ गई, तो मतलब जहाँ पर खड़ी है वही लोकेशन ये दिखा रहा है, तो ये कुछ आ जाएगी। हाउ टू वीडियोज़ कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं आप देख सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया, इनकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इधर कुछ डीजे टॉक्स वगैरह हैं, तो ये है। और दोस्तों एक जो मैं आपको वो SMS वाले दिखा रहा था, कॉल की दिखा रहा था, जब आपको कोई भी बंदा कॉल करेगा तो उस बंदे का नाम और जो भी आपकी डिटेल होगी वो इधर आपको डिस्प्ले हो जाएगी, जिधर ये फुल MPT लिखा हुआ रहा है और इधर आपकी नेविगेशन आती है, इधर ही आपको वो भी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इसकी ऐप में और कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, और अब मैं इसकी ऐप के बारे में अपना वर्डिक्ट दूँ और इसको जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको कंक्लूड करूँ, तो दोस्तों नेविगेशन ठीक ठाक तरीके से काम करती है। वॉइस कमांड, मतलब अगर आप 100 बार कमांड दोगे तो उसमें से 30, 40 या 50 बार आपकी कमांड वो सही से ले लेगा, बाकी 50 टाइम वो आपकी कमांड अच्छे से लेगा नहीं। जो RPM ये शो करता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, मतलब कि जो RPM आया मतलब उसमें थोड़ा सा डिले आता है, वो एक कनेक्टिविटी की वजह से आता है, मतलब जो एग्जैक्ट होते हैं वो बिल्कुल जैसा आपका टैकोमीटर होता है उसकी स्पीड से तो नहीं चलता है, बट हाँ ठीक ठाक आपको दिखा देता है। बाकी जो राइड मोड्स में चेंज करने में भी आपके 1 या 2 सेकंड ये ले लेता है, तो बट नेविगेशन इसकी ठीक ठाक है, मतलब कि नेविगेशन तो आपको ठीक ठाक दे रहा है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन सर्विस वगैरह की ये दे रहा है वॉइस कमांड इतनी ठीक नहीं है, मोड भी ठीक ठाक तरीके से चेंज कर लेता है। तो दोस्तों अभी जो ये ऐप है ना, ये जो TVS की ऐप है, इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, इसको OTA अपडेट से और बेटर करने की ज़रूरत है, इसको और अपडेट दे सकते हैं जो ये और ज़्यादा फास्ट हो जाए, वॉइस कमांड और अच्छे से काम करे, सभी की लैंग्वेज को ये आराम से एक्सेप्ट कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, आपको ये ऐप कैसी लग रही है, अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन बची है कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स है, तो वो आप मुझसे क्या है कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।